नमस्ते, आई वेलकम यू ऑल इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पिंजौर. टुडे इज 16th October 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन पंचांग. सो आई वुड रिक्वेस्ट आचार्य सुनील दत्त गौतम टू टेल अस अबाउट टुडे इज पंचांग. नमस्ते सर. नमस्ते. आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077, शक संवत 1942, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है. आज का नक्षत्र हस्त, आज का योग वैधृति है. आश्विन मास के प्रविष्टि की यदि बात की जाए तो आज आश्विन सौर मास के 31 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं. मुस्लिम माह सफर की आज 28 तारीख है. कल से शरद नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, तो आप सभी को शरद नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं. नमस्ते. थैंक यू सर फॉर शेयरिंग टुडेज पंचांग. टुडे इज वर्ल्ड फूड डे. इट इज़ एन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द ऑनर ऑफ द फाउंडेशन डेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1945. Since then, it has been observed every year in more than 150 countries, raising awareness of the issues behind poverty and hunger. Therefore, today's thought is, a happier life is to eat what you like and let the food fight it out inside. Now, it's time to start the prayer. So, I would request you all to join your hands and close your eyes for the prayer. All classes, be ready for Gayatri Mantra. जयतु विवेकानंद योगेवर युगाचार्य यतिराज. जयतु विवेकानंद योगेवर युगाचार्य यतिराज. जयतु विवेकानंद योगेवर युगाचार्य यतिराज. जय वीरेश्वर जय शिवशंकर जय 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 महाराज. विवेकानंद योगेवर युगाचार्य यतिराज. जय
ब्रह्मति मिरहर प्रखर दिवाकर उदित जगत हित काज मोहति मिरहर प्रखर दिवाकर उदित जगत हित काज तमनाशत जड़ चित जगवत चेतन सकल समाज तमनाशत जड़ चित जगवत चेतन सकल समाज विवेक विराग ज्ञान बल मूर्त विवेक विराग ज्ञान बल मूर्त विवेक विराग ज्ञान बल मूर्त विवेक विराग ज्ञान बल त्रिभुवन के सरताज मूर्त विवेक विराग ज्ञान बल त्रिभुवन के सरताज सकल विद्या भ्रांति हरो प्रभु सकल विद्या भ्रांति हरो प्रभु चित में करो विराज जयतु विवेकानंद योगीवर युगाचार्य यतिराज जयतु विवेकानंद योगीवर युगाचार्य यतिराज अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शांति 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 बी रेडी फॉर नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम नाउ इट्स टाइम टू हियर अ मोटिवेशनल स्टोरी टुडे स्टोरी विल बी प्रेजेंटेड बाय मिसेस अर्पणा द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एन ओल्ड डंकी लेट्स हियर द स्टोरी नमस्ते मैम नमस्ते रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर वाइस प्रिंसिपल मैम टीचर्स पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी टाइटल एज एन ओल्ड डंकी वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज्ड टू लिव अ मैन दिस मैन हैड मैनी डंकीज टू हेल्प हिम विद हिज बिजनेस Among them, there was an old donkey. Now, this old donkey had been with the merchant for a long time. Therefore, the merchant had grown fond of donkey of his own.
One day, when the merchant and his donkeys were returning from a trip, the old donkey fell into an open pit. The donkey began wailing and crying. "Oh no," cried the merchant. "I don't even have a rope. What should I do now?" The merchant looked around for some help, but the man could not find anything that would help him to bring the donkey out. In the end, the man decided to fill the pit. "The donkey is at the end of his life anyway. I should bury him here. And this pit too needs to be filled. I can do both the things at once," the man thought. So he went and brought a shovel. The man began to dig the ground. He was hard at work. All through this time, the donkey kept crying and wailing. As the man dug the ground, he kept throwing the dirt into the pit. After some time, the donkey's wails stopped. When the man stopped for a short rest, after a while, what he saw surprised him. "Oh, my donkey, you did not lose hope." The man realized that when he was throwing the dirt on the donkey shook the dirt off, and in doing so, the dirt started accumulating on the ground. And when there was enough dirt on the ground, the donkey stepped on now elevated ground. The man kept throwing dirt into the pit, and the donkey kept shaking it off and coming upwards. Then, in the end, the donkey was finally out of the pit. So students, moral of the story is, just as a donkey shook off all the dirt and found his way out of the pit on his own, we too should treat our problems as the dirt. Only after shaking them off, we can tackle our problems. So don't run away from the problems. Always face your problems and try to shake them off. Thank you. Have a nice day. Now, let's know about today's word and sentence from Stuti Shukla, a student of class plus 2 science. Namaste, Stuti. Namaste. My name is Stuti Shukla from class plus 2 science. Today's word is aping. I repeat my word. Today's word is aping. It means to copy, imitate, or mirroring. Its definition is to imitate the behavior or manner of someone. The synonyms are mimic, echo, or takeoff, and its antonyms are fall, natural, and formalism. And its sentence is new architecture can respect the old without aping its style. Thank you. Have a cheerful day. Thank you, Stuti. Now it's time to wish our birthday students. Today is the birthday of Dashinpreet Singh of 7th A, Kiratpal Singh of 8th A, Dipanshi Verma of 10th A, and Sanya of plus 1 commerce. Let's wish them all by singing the birthday song. Sagar mein ek lehar uthi tere naam ki, tumhe mubarak khushiyan saalon saal ki. Sagar mein ek lehar uthi tere naam ki, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की. तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना. तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की. हैप्पी बर्थडे टू Our principal sir, vice principal ma'am, teachers and parents all are giving their blessings on your birthday. Once again, I wish you a very happy birthday. May God bless you. That's it for today. Namaste.